बहुत ही लजीज बैगन का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे खिचड़ी के साथ। आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का मेरे चैनल मुंबई स्पाइस में प्यार भरा वेलकम है। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही लजीज बैगन का भरता मेरी स्टाइल में। इसके लिए मैंने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिया है। आधा किलो बैगन लिया है, 1 टेबल स्पून तेल लिया है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है। मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है, 4 हरी मिर्ची ली है, 12 से 15 लहसुन की कली ली है। बैगन के भरते के लिए हम सबसे पहले बैगन में कट्स लगा लेंगे और उस पर तेल लगा लेंगे। हम बैगन पर चारों तरफ इसी तरीके से कट्स लगा लेंगे। हम इस पर हल्का हल्का तेल लगा लेंगे। हमने कर्च लगाकर अच्छे से तेल को लगा लिया है। अब हम इसे रोस्ट करेंगे। हम बैगन को अच्छे से रोस्ट करेंगे चारों तरफ से। हम इसे इसी तरह फ्लिप करते जाएंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो। देखिए बहुत अच्छे से रोस्ट हो रहा है। हम इस तरीके से इसे सब तरफ से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बैगन बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। हम ग्रिलर को स्टोव से उतार लेंगे। हम बैगन को 5 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे रूम टेम्परेचर पे आने तक। बैगन बहुत अच्छे से रेस्ट हो चुका है रूम टेम्परेचर पर। हम इसकी स्किन को रिमूव कर लेंगे। हम इस तरीके से पूरी स्किन रिमूव करके इसे क्लीन कर लेंगे। बैगन की स्किन को रिमूव कर लिया है। हम इसका हेड कट कर लेंगे और इसे बाउल में मैश कर लेंगे। हम इसे मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। हम मिर्ची और लहसुन को दरदरा पीस लेंगे। वन टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। हमने दरदरा पेस्ट बना लिया है। हम इसे इसमें मिक्स कर लेंगे। हम कोथमीर और पुदीने को भी हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमने पुदीने और धनिया को दरदरा पीस लिया है। हम इसे इसमें मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 150 ग्राम दही लिया है। हम इसे भी मिक्स कर लेंगे।
हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह, देखिए हमारा बहुत ही लजीज बैगन का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे खिचड़ी के साथ। आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं और अपने स्पेशल फीडबैक्स मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन पर ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।